स्टूडेंट्स, मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। आज हम सीएसएस में फॉन्ट एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था सीएसएस क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स हम जिसे कहते हैं। अब उसमें हम फॉन्ट एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज़ करते हैं, यानी फॉन्ट से रिलेटेड वैल्यूज़ कैसे देते हैं और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम समझेंगे। तो सीएसएस में फॉन्ट एट्रीब्यूट्स यानी जो जो फॉन्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट साइज। तो इन्हें हम यूज़ करके देखेंगे। तो सीएसएस की कोडिंग क्योंकि हम एचटीएमएल के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने जैसा हम जानते हैं कि एचटीएमएल की के थ्रू वेब पेज बनाने के लिए हमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और एक ब्राउज़र चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे एक नोटपैड फाइल खोली है। हम जानते हैं एचटीएमएल की कोडिंग टैग्स के थ्रू की जाती है और टैग्स हम एंगुलर बेसिस में लिखते हैं। हमें जो भी कोडिंग करनी होती है वो एचटीएमएल टैग्स के बीच में करते हैं, यानी सबसे पहले हमें एचटीएमएल टैग स्टार्ट करना होगा। अच्छा, अब हम जो सीएसएस में हम जो काम करते हैं वो स्टाइल टैग के बीच में होता है, यानी स्टाइल हम जो डिक्लेयर करते हैं हर टैग के लिए, हमें जिन भी टैग को स्टाइल करना होता है वो हम स्टाइल टैग में लिखते हैं, और स्टाइल टैग जो है वो हेड टैग में लिखा जाता है। तो हम एचटीएमएल में हेड टैग डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें फिर हम स्टाइल टैग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जिन भी टैग्स को हम स्टाइल करते हैं उन्हें हम सेलेक्टर कहते हैं। हम यहाँ पी टैग यूज़ कर रहे हैं और उस पर हम हमारे फॉन्ट एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारे वेब पेज पे कैसे कैसे फॉन्ट एट्रीब्यूट्स चेंज करने पे चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हमने पी टैग लिया है और उसकी स्टाइलिंग के लिए हम करेंगे। तो पी हमने सेलेक्टर लिया, अब हम उसका एक एट्रीब्यूट फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट में से एक फॉन्ट फैमिली, एक एट्रीब्यूट फॉन्ट फैमिली हमने लिया। हम हर एक एट्रीब्यूट को लेंगे और उसे हम टेस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे जाएंगे। फॉन्ट फैमिली हमने लिया, उसकी हमने वैल्यू दी है एरियल। हर एक डिक्लेरेशन को किसी भी एट्रीब्यूट के बाद में, जिस भी एलिमेंट को आप स्टाइल कर रहे हो उसका एक डिक्लेरेशन ख़त्म होने पे हमें सेमी कॉलन लगाना होता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। हमने अभी सिर्फ ये फॉन्ट फैमिली लिया है पैराग्राफ टैग के लिए, फिर हमने इसको क्लोज किया। यहाँ हमने स्टाइल टैग क्लोज किया, अभी हम एक एक चेक करेंगे। स्टाइल टैग हमने क्लोज किया, फिर हमने हेड टैग क्लोज किया, उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट की है। हम जानते हैं कि जो हमने स्टाइल करना होता है वो हम हेड में स्टाइल में डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद डिस्प्ले जो कराना होता है वो बॉडी पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे हमने पी की स्टाइलिंग कर दी है। अब पी में हमने लिखा, सपोज़ हमने लिखा है हेलो, और ये हमने किया। अब हमने लिखा दीज फॉन्ट फॉन्ट एट्रीब्यूट्स, ओके। अब हमने बॉडी टैग भी क्लोज किया है। अब हम चेक करेंगे कि जो हमने ये फॉन्ट फैमिली दी है वो इस पर डिस्प्ले हो रही है या नहीं। HTML क्लोज किया हमने। अब हमने ये नोटपैड पे काम किया है, अब हम इसे सेव करेंगे, सेव एज, क्योंकि HTML पे काम कर रहे हैं तो .html के साथ हम इस फाइल को सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे ही। CSS फॉन्ट के नाम से हमने एक फाइल .html करके डेस्कटॉप पे सेव करी है। देखिए, यहाँ देखिए ये हेलो और फॉन्ट एट्रीब्यूट सभी हमने एरियल में दिया है। अब हम इसकी फैमिली चेंज करके देखेंगे कि हम इसकी फैमिली यहाँ सेरिफ कर रहे हैं एरियल के बजाय।
सेरिफ की है और हमने इसको चेंज को सेव किया। अब हम देखेंगे क्या चेंजेस हमें नज़र आते हैं सीएसएस फॉन्ट पे। देखिए अब सीएसएस फॉन्ट के साथ अब हम देखेंगे, हमने इसको रिफ्रेश किया, हमने इसकी फैमिली चेंज की। तो देखिए सेरिफ के साथ फॉन्ट एट्रीब्यूट्स और हेलो चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम फॉन्ट फैमिली डिक्लेयर कर सकते हैं। जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है उसके लिए हमने पी टैग की है, हम और भी टैग्स के साथ में ये काम कर सकते हैं। अब हम दूसरा एक फॉन्ट एट्रीब्यूट देख रहे हैं, वो है हमारा फॉन्ट स्टाइल। हमने लिया यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, सॉरी ये हमें हाइफन के साथ लिखना होगा, फॉन्ट स्टाइल, और ये हमने लिया है यहाँ पे इटैलिक। जो हमने फॉन्ट फैमिली लिया है उसका हमारा जो डिफ़ॉल्ट साइज़, यानी डिफ़ॉल्ट, अगर हमने सेरिफ, एरियल या कोई भी फैमिली इसके लिए डिक्लेयर नहीं करी तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि हम किस ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं। ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिफरेंट फैमिली को डिफ़ॉल्ट लेता है, तो फ़ॉन्ट फैमिली के लिए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे डिपेंड करता है। अब हम ले रहे हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल का जो डिफ़ॉल्ट है, यानी अगर आपने फ़ॉन्ट स्टाइल डिक्लेयर नहीं की है अपने फ़ॉन्ट के लिए, तो ये नॉर्मल लेगा। अदरवाइज हम इसको इटैलिक, नॉर्मल या ऑब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी हमने फॉन्ट स्टाइल इटैलिक किया है, हम इसे सेव कर रहे हैं और हम इसका रिजल्ट देखेंगे हमारे पेज पे। देखिए हमने रिफ्रेश किया, अब देखिए ये इटैलिक हो गया है। अगर हम इसे नॉर्मल करेंगे तो वापस फॉन्ट फेस इसका नॉर्मल हो जाएगा। इसका डिफ़ॉल्ट साइज, डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो है वो नॉर्मल है। हर एक डिक्लेरेशन को हमें सेमी कॉलन से ख़त्म करना होता है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है वो है हमारा फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट जो हम ले रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज के में हम कोई भी साइज़ जो भी हम देना चाहते हैं, हमने दिया 12 पिक्सल दे दिया हमने हमारे, यानी अब पी टैग के लिए हम ये फ़ॉन्ट साइज, फैमिली या स्टाइल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो पी में हम जो लिखेंगे उस पर ये सारे इम्प्लीमेंट होंगे। डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टर या कहें एलिमेंट या टैग्स के लिए हम यहाँ पे स्टाइल में डिक्लेरेशन दे सकते हैं। जो भी पी में लिखेंगे अभी वो होगा। अगर एच वन के लिए देना है तो एच वन लिख के वापस से हमें ये सब डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी हमने 22 पिक्सल्स हमने फॉन्ट साइज दिया है, हमने इसको सेव किया। हम वापस चेक करेंगे कि क्या फॉन्ट साइज। अब देखिए यहाँ हमें ये रिफ्रेश करेंगे इसको, हमारा ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो है मीडियम, यानी अगर आपने इसका फ़ॉन्ट डिक्लेयर नहीं किया है तो ये मीडियम साइज़ को लेगा डिफ़ॉल्ट। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा ले रहे हैं फ़ॉन्ट में से, फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिपेंड करता है, कभी कभी ये किसी किसी ब्राउज़र में काम नहीं करता है। तो फ़ॉन्ट वेरिएंट हमने लिया, अभी हम यहाँ इसको नॉर्मल कर रहे हैं। ये जनरली हम सेंटेंस केस रखना चाहते हैं, स्मॉल कैप्स रखना चाहते हैं, कैपिटल लेटर्स में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्मॉल कैप या नॉर्मल या सेंटेंस के हिसाब से हम यहाँ पे इसको वैल्यू देते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉर्मल है, तो अभी हमने यहाँ पे इसमें नॉर्मली लिया है फ़ॉन्ट वेरिएंट। अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो नॉर्मल है, यानी अगर आपने कोई भी फ़ॉन्ट वेरिएंट नहीं दिया है तो ये नॉर्मल रहेगा। और उसके बाद हम ले रहे हैं फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट, तो फ़ॉन्ट वेट में हम दे सकते हैं बोल्ड दे सकते हैं, या यह पर्टिकुलर हमारा जो साइज़ है वो दे सकते हैं, कितना आपको इसको इंक्रीज कराना है, तो फ़ॉन्ट वेट हम डिक्लेयर कर सकते हैं। हम यहाँ फ़ॉन्ट वेट बोल्ड दे रहे हैं, हमने इसको सेमी कॉलन से क्लोज किया और हमने इसको सेव किया। अब हम इसको रन करा के देखेंगे कि हमारा फ़ॉन्ट वेट काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है एक्चुअली। तो हमारा जो फ़ॉन्ट वेट है वो देखिए, जो हमारा टेक्स्ट था वो बोल्ड हो गया है।
तो ये थे हमारे फॉन्ट एट्रीब्यूट्स सीएसएस में। अगर हमें फॉन्ट के साथ काम करना है तो हम क्या क्या वैल्यूज़ और दे सकते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। थैंक यू।